नमस्कार दोस्तों, आज हम एयरटेल के HD बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है। HD बॉक्स एयरटेल डिजिटल टीवी का मॉडल नंबर है HS3C02। डिस्क्रिप्शन है जो इसमें लिखा हुआ है DVB-S2 मॉडल HS3CO2 क्वांटिटी 1 पीस, लॉट नंबर है और ये डेट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट। बॉक्स ये वैसे आया हुआ तो काफ़ी पहले से है, पर फिर भी कई कस्टमर्स और डीलर भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको इस बारे में अब आपको पूरा बताता हूँ। तो चलिए अब आप इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ये इसमें प्रोसीजर है, एक्टिवेट बैलेंस वगैरह जो भी है ये लिखा हुआ है। टोल फ्री नंबर है ये ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स, यूनिवर्सल रिमोट आता है इसमें जो आपके LED टीवी पर भी काम करेगा। ऐप्स एंड गेम्स होते हैं इसमें, मल्टी लैंग्वेज EPG है, पॉज रिवाइंड एंड रिकॉर्ड भी होता है इसमें। और इसमें जो खास बात है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो सब DTH बॉक्स इससे अलग है इसकी और इसे एक अलग बॉक्स बनाता है, ये है मल्टीमीडिया बॉक्स। इस बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें प्लीज़। इस बॉक्स के बारे में मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, मेन बात वही है, वो मैं थोड़ा रुक के बताऊँगा आपको, प्लीज़ इसके लिए पूरा वीडियो देखें आप। तो चलिए अब हम इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक वारंटी सील लगा होता है इसमें। इसके साथ ये एक कैप आता है, ठीक है। एक HDMI केबल रहेगा इसमें, ठीक है। अडाप्टर 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का है ये। उसके बाद ये बॉक्स है, एक इस पे स्टिकर रहेगा, एक सीरियल नंबर का। ये बैक साइड हो गया इसका, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। इसमें पहले एक कॉन्टैक्ट जो और अदर चीज़ आ रही है। एक ये रिमोट है, यूनिवर्सल रिमोट। ये रिमोट आपके TV और LED पे भी काम करता है, STV पर तो करता ही करता है। इसमें 2 AAA साइज सेल दिए हुए हैं साथ में। बस बॉक्स के अंदर यही सब आता है, बाकी सब आपको सर्विस इंजीनियर जो इंस्टॉलेशन करने आता है वो DTH एंटीना वायर LNV सब वही प्रोवाइड करेगा। अब हम इसको ज़रा एक साइड में रखते हैं। अब मैं आपको बॉक्स के बारे में बताता हूँ डिटेल से। दोस्तों ये मॉडल बहुत अच्छा है इसका, इस पे फ्रंट पे लिखा है HD HEVC अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग डॉल्बी ऑडियो। अगर आप किसी भी कंपनी का HD बॉक्स लेने जा रहे हैं, डिश TV, टाटा स्काई, सब जो भी, ये बॉक्स उन सब बॉक्स में बॉक्स से अलग है। पीछे जो पोर्ट दिए हैं वो बता देता हूँ, एंटीना इन डिश एंटीना। एक ये USB पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट हो गया इसका, वीडियो ऑडियो ये दोनों ऑडियो गए, और ये हो गया इसका अडाप्टर का पिन, ठीक है। तो इस पोर्ट का मैं बताता हूँ आपको मेन। ये पोर्ट है पेन ड्राइव लगाने के लिए, और इसका दोस्तों मेन जो सबसे अलग चीज़ है वो ये है कि आप इसमें अपना पेन ड्राइव लगा के अपना वीडियो प्ले कर सकते हैं। MPEG-4 फॉर्मेट, MP4 कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। अदर फॉर्मेट भी प्ले होते हैं, MP3 ऑडियो वीडियो सब होता है। इसकी आपके इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाते। और किसी बॉक्स में भी अगर आप ये लगाते हैं ना तो वो फॉर्मेट मार देता है, आप पेन ड्राइव से अलग से बाहर का कुछ भी प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास TV है तो आप पेन ड्राइव लगा के इसको देख सकते हैं, पेन ड्राइव में कोई भी मूवी या जो भी है प्ले कर सकते हैं। इसको एयरटेल वाले मल्टीमीडिया बॉक्स बोलते हैं। इस बॉक्स की यही खास बात है, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो रिकॉर्डिंग आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा सब अदर्स DTH कंपनीज की तरह,
पर पेन ड्राइव लगा के आप प्ले कर सकते हैं। प्ले करने का जो प्रोसीजर है मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप HD बुक्स लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आप ये बुक्स ऑनलाइन परचेज कर लें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको डिस्काउंट ऑफर पे दिलवा दूंगा आपको ये। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। इसके पैकेज वगैरह मैं सबको सब आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, और इसमें मैं एक चैनल लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।